नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जी मीडिया के इस खास कार एंड बाइक शो इग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम। इस आधे घंटे के शो में हम बात करते हैं सिर्फ कार्स एंड बाइक्स की, आपको देते हैं अपडेट, रिव्यूज एंड व्यूज। इस हफ्ते भी ऐसा ही कुछ खास हम आपके लिए पैकेज कर लेकर आए हैं। शुरुआत हम करेंगे डुकाटी की एक्स डायविल के साथ, देंगे आपको उसका पूरा रोड टेस्ट रिव्यू। उसके बाद आपको ले चलेंगे एक खास लॉन्च पर, जहां इस साल की मोस्ट अवेटेड कार मारुति सुजुकी इग्निस हुई लॉन्च। डकार रैली, दो बड़ी भारतीय टू व्हीलर कंपनी अपने रेसर्स के साथ इसमें कर रही है शिरकत। साल 2016 डुकाटी के लिए काफी खास था, कई सारे लॉन्चेस करने के साथ साथ। अब एक बात साफ है कि डुकाटी की ज़्यादातर जो सारी रेंज है वो भी भारतीय मार्केट में मौजूद है। पानीगाले, मल्टी स्टारडा और आखिरी में जो लॉन्च हुई थी एक्स डायविल, दो वेरिएंट में उस गाड़ी को उतारा गया था और करीब 16 लाख उस गाड़ी की कीमत है। बेहद खास है ये गाड़ी और ऐसा कहना है हमारे इग्निशन के रोड टेस्टर ताबिश हुसैन का। आपने स्पोर्ट्स बाइक चलाई होंगी, क्रूजर भी चलाई होंगी, लेकिन अगर ये दोनों फील आपको एक ही बाइक में मिले तो कैसा होगा? जी हाँ, यह है एक्स डियावल, डुकाटी की नई क्रूजर, जो कि क्रूजर का एक्सपीरियंस तो देती ही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्रूजर है, लेकिन साथ ही आपको देती है एक्साइटमेंट स्पोर्ट्स बाइक का, यानी एक पावर क्रूजर डुकाटी के रेसिंग डीएनए के साथ। डुकाटी एक्स डियावल, शानदार, जबरदस्त और पावरफुल बाइक। डुकाटी एक्स डियावल मोबाइल स्क्रीन सेवर से गैरेज तक हर बाइक लवर की ड्रीम बाइक। दिस बाइक इज लॉन्ग लाइक अ क्रूजर, क्रूजर की तरह ही लो सीटिंग इसकी है, 755 mm की सिर्फ इसकी सीटिंग हाइट है और फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो नेकेड स्पोर्ट वाली फील ये बाइक आपको देगी और इस सबको कॉम्प्लीमेंट करती है इसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, क्रूज कंट्रोल, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तमाम फीचर इस बाइक के अंदर आपको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इन तमाम फीचर्स को भी आप मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपको जिस मोड में इस बाइक को चलाना है उस हिसाब से आप इसके फीचर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तीन तरह के राइडिंग मोड आपको इस बाइक के अंदर मिलेंगे, स्पोर्ट्स, टूरिंग, अर्बन। इसके अंदर भी इंजन की कैपेसिटी आप चूज कर सकते हैं, हाई मोड में इंजन चलाना चाहते हैं, मिड में चलाना चाहते हैं या लो में चलाना चाहते हैं। डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल के 9 मोड मिलते हैं, 0 से लेकर 8 तक आप ट्रैक्शन कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ABS को आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। ABS के अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, के साथ आपको मिलती है स्मार्ट की, यानी कि कीलेस इग्निशन। आपको की लगाने की इस बाइक में ज़रूरत नहीं है, सेंसर से बाइक काम करती है, बस आपकी की इस बाइक के आसपास होनी चाहिए। cc का इंजन, 156 bhp की पावर, 129 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि किसी भी स्पीड लवर की पहली पसंद होगी। डुकाटी एक्स डियावल में 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है। DVT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली डियावल की रोड प्रेजेंस ही नहीं, रोड ग्रिप भी अच्छी है और इसकी वजह है 240 mm का ब्रॉड रेयर व्हील। नई एक्स डियावल से आपको मिलता है लो स्पीड एक्साइटमेंट, यानी कम स्पीड पर भी इसकी DVT टेक्नोलॉजी टॉर्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे मिलता है क्रूजर का कंफर्टेबल राइडिंग मोड और बस थ्रॉटल फुल करने की देर है। रफ्तार के साथ बढ़ता है एक्साइटमेंट और मिलता है सुपर स्पोर्ट बाइक का एहसास। वैसे तो इतने पावरफुल इंजन के बाद इस बाइक में पिकअप और पावर की कोई कमी नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डुकाटी ने इसमें एक खास फीचर ऐड किया है, जिसको कहते हैं डुकाटी पावर लॉन्च। राइट साइड में आपको एक स्विच मिलेगा पावर लॉन्च का, उस स्विच को प्रेस करते ही ये बाइक आपको 3 ऑप्शन देती है। पावर लॉन्च के लेवल आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल 1 टू लेवल 3, आप इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद बाइक आपसे पूछती है क्लच प्रेस कीजिए, पहला गियर डालिए, फुल थ्रॉटल ऑन कीजिए और लॉन्च के लिए तैयार हो जाइए। वाइड हैंडल बार, फॉरवर्ड फुल पैक्स और लो सीटिंग से बेहतर कंट्रोल के साथ मिलता है टिपिकल क्रूजर का कंफर्ट। और जब बात हो कॉर्नर्स,
तो डियावल हैरान करती है। 40 डिग्री का मैक्सिमम लीन एंगल जबरदस्त बैलेंस कॉर्नर्स को बनाता है काफी स्मूथ। कंपनी ने इस बाइक के दो वेरिएंट्स भारतीय बाजार में पेश किए, एक्स डियावल और एक्स डियावल एस। एक्स डियावल एस में भी डियावल जैसा ही इंजन लगाए, लेकिन इसमें कई आकर्षक फीचर्स जैसे एंटरटेनमेंट और लग्जरी फीचर्स का पूरा ख्याल रखा गया है। बाइक में ब्लूटूथ इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ इसमें फुल LED लाइटिंग, राइडिंग मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे कई लग्जरी फीचर्स दिए गए। एक्स डियावल की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 15,87,000, जबकि टॉप वेरिएंट एक्स डियावल एस की कीमत 18,47,000 रुपए के करीब। डुकाती की इस बाइक के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि चलाने में बहुत आसान है, क्रूजर वाला कंफर्ट ये आपको देती है। और डुकाती के साथ जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आपको मिले, वो फील आपको बखूबी इस बाइक में मिलता है। और ये क्रूजर और स्पोर्ट्स का जो दमदार कॉम्बिनेशन ये बाइक बनाती है, वो बेशक हार्ले डेविडसन के लिए एक तगड़ा कॉम्पिटिशन खड़ा करने वाला है। इंडियन मोटर स्पोर्ट्स वैन के लिए इस साल की शुरुआत बेहद खास रही, वजह डकार रैली 2017। यहाँ पर दो इंडियन टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स ने शिरकत करी, टीम हीरो मोटर कॉर्प जिसने स्पीड ब्रेन के साथ वहां पर शिरकत करी, और TVS जिसने शेरको के साथ डकार रैली 2017 में शिरकत करी। और यकीन मानिए, चाहे वो CS संतोष हो या फिर अरविंद केपी, दोनों ने भारतीय मोटर स्पोर्ट फैन का दिल जीत लिया। डकार रैली दुनिया की सबसे रोमांचक और मुश्किल मोटर स्पोर्ट रैली में से एक है। इस रैली की शुरुआत साल 1979 में पेरिस से हुई थी। इस रैली को डकार रैली का नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इस रैली में 1979 से 2008 तक पेरिस से डकार तक का सफर तय करते थे। डकार जो कि सेनेगल की राजधानी है और साथ ही वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इस साल की डकार रैली भारतीय मोटर स्पोर्ट्स फैन के लिए बेहद खास है क्योंकि दो भारतीय टू व्हीलर कंपनियां अपने रेसर्स के साथ इसमें कर रही हैं शिरकत, हीरो मोटोकॉर्प और TVS। हीरो मोटोकॉर्प रेसिंग टीम स्पीड ब्रेन के साथ उतरी है, वहीं TVS का साथ दे रही है टीम शेरको। हीरो मोटोकॉर्प की कमान संभाली है CS संतोष और जोकिम रोड्रिक ने। Anybody that did motorcycle riding for passion always looked up to the Dakar like that, and me, I'm no different. So when I saw the Dakar, it was pretty cool for me, but I never imagined I'd do it. It's been fantastic ever since I made it here. I had a little crash in the water, and my GPS stopped working. So I think it was like kilometer 94. The bike is all twisted, but I managed to get up, get to the CP when I got to the last CP. But I'm happy to get to the end with my Hero Motorsport Rally team. So we're ready for tomorrow. हीरो स्पीड ब्रेन टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन तीन स्टेज में CS संतोष को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 1 घंटे और 20 मिनट की पेनल्टी के चलते CS संतोष जा पहुंचे 104 पायदान पर। तीन स्टेज खत्म होने तक CS संतोष की पोजीशन थी 87वीं। वहीं दूसरी तरफ टीम TVS शेरको के अरविंद केपी के लिए तीन स्टेज रही निर्णायक, और राइट शोल्डर इंजरी के चलते हुए उन्हें कंपटीशन से होना पड़ा बाहर। लेकिन तारीफ करनी होगी अरविंद केपी की, जिन्होंने स्टेज 2 फ्रैक्चर्ड रिस्ट होने के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। अरविंद के लिए डकार में पहला मौका था और अपनी इस कोशिश में उन्होंने यकीनन काफी इंडियन मोटर स्पोर्ट्स फैन के दिल जीते। डकार रैली का नतीजा कुछ भी हो, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और मोटर स्पोर्ट्स के लिए है काफी अच्छी शुरुआत। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी जो अपडेट है वो आपको हम जिग्निशन के इस कार्यक्रम के दौरान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बिजनेस जगत से जुड़ी कोई भी अपडेट आप जल्द से जल्द और आसान तरीके से पाना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है दोस्तों। जी हाँ, आप जी बिजनेस के फेसबुक पेज को फॉलो करिए या फिर जी बिजनेस के ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए, हर खबर आप तक पहुँचेगी सबसे पहले।
और खासकर ये जो महीना है, जी हाँ, आने वाला जो समय है 40 दिन बेहद खास है, क्योंकि देश का जो बजट है वो सामने आने वाला है और बजट की सबसे बड़ी कवरेज आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। मारुति सुजुकी, जब भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो इस कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वजह, वॉल्यूम के लिहाज से ये कंपनी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है। पिछले साल ब्रेजा को भारतीय मार्केट में लॉन्च किया और नतीजा आप और हम देख रहे हैं, एक बेहतर उम्दा कार जिसने ना केवल वॉल्यूम जनरेट किया मारुति सुजुकी के लिए बल्कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट को भी नंबर्स के मामले में एक अच्छा सहारा दिया। अब 2017 आ चुका और 2017 की भी मारुति सुजुकी एक धमाकेदार शुरुआत कर चुका है। जी हाँ, अपनी नई हैचबैक इग्निस के साथ, एक ऐसी गाड़ी जो कि शायद पूरे हैचबैक सेगमेंट को रीडिफाइन करके रख सकती है। इस साल की पहली मच अवेटेड लो बजट और फ्यूल एफिशिएंट कार मारुति सुजुकी इग्निस का भारत में फाइनली लॉन्च हो गया है और इसके पेट्रोल वर्जन की शुरुआती कीमत है 4,59,000 और वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआती कीमत है 6,39,000। इस हैचबैक एसयूवी कार को सबसे पहले फरवरी 2016 में दिल्ली ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। मारुति सुजुकी इग्निस को सुजुकी IM4 कॉन्सेप्ट के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इस कार को एसयूवी क्रॉसओवर का शानदार लुक दिया गया है। इग्निस में 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन लगा है। गाड़ी में लगे पेट्रोल इंजन 6000 आरपीएम पर 84 bhp का पावर जनरेट करता है, वहीं इसका डीजल इंजन 4000 आरपीएम पर 75 bhp की पावर जनरेट करता है। दोनों ही इंजन में 5 स्पीड मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मारुति इग्निस 4 वेरिएंट्स में भारतीय बाजार में अवेलेबल होगी, सिग्मा, डेल्टा, जेटा और अल्फा। 1988 के बाद जिनका बर्थ हुआ है तो उनके लिए ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है। अब इस युवा पीढ़ी के कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लोग अलग तरह के टेस्ट रखते हैं, ये लोग जो है नई नई गैजेट्स यूज़ करते हैं, कॉस्टली गैजेट्स यूज़ करते हैं और साथ में जो इनको चाहिए वो लोग ये लेकर हटते हैं। और उनके फेवरेट अगर टॉयज़ की बात करें तो नॉर्मली iPad होता है या स्मार्टफोन होता है। तो ये इस जनरेशन को सामने रखते हुए हम लोगों ने इनके लिए ये यूनिक कार डिज़ाइन की है और हमें बहुत उम्मीद है कि ये कार इनको पसंद आएगी। सर, आपने जैसा अभी कहा कि ये गाड़ी मिलेनियल्स के लिए है, सो बेसिकली यंग जनरेशन के लिए, तो आप क्या वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि जो यंग जनरेशन है इस गाड़ी को कैसे परसीव करेंगी? हमारे देश की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो तकरीबन 64% लोग 2020 तक 20 और 34 वर्ष की एज ग्रुप में रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है हमारी कंट्री की। और इस जनरेशन को जो आइटम पसंद आती है उसके अंदर वॉल्यूम सिर अपने आप आते हैं। और हमने इस जनरेशन के लोग जो पैम्परिंग चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी चाहते हैं जब वो गाड़ी खरीदने आते हैं तो, और डिजिटल एक्सपीरियंस चाहते हैं, उस सबको देखते हुए इस गाड़ी को हमने नेक्सा चैनल में पोजिशन किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस जनरेशन के लोगों को ये गाड़ी बहुत पसंद आएगी। इसके अंदर फीचर्स भी हमने उस तरह के रखे हैं, ये कॉम्पैक्ट कार है परंतु बहुत स्पेशियस है अंदर से। इसके अंदर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बेस्ट इन क्लास है। साथ में कॉकपिट टाइप इसका डिज़ाइन किया गया है हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट पैनल का, स्विचेस भी उसी डिज़ाइन के बनाए गए हैं और राइडिंग कम्फर्ट इसका बहुत अच्छा है। तो नेक्सा चैनल प्लस इग्निस और इसके सारे फीचर्स मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो हमारे युवा पीढ़ी को बहुत पसंद आएगा। तो जब आपने इसकी प्राइसिंग का डिसाइड किया तो आपके दिमाग में बेसिकली क्या था, क्या सोच के आपने इसकी प्राइसिंग रखी है? देखिए, प्राइसिंग हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग ही होती है, जिस तरह की हमारी कॉस्ट है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम प्राइसिंग रखी जाए और साथ में प्रीमियम फीचर्स दिए जाएँ कस्टमर्स को। तो हमारा जो एंट्री लेवल की गाड़ी है वो 4,70,000 पे शुरू होती है और उसके बाद वो 7,80,000 तक, डिपेंडिंग ऑन कि वो पेट्रोल की गाड़ी लेना चाहते हैं, डीजल की लेना चाहते हैं या कौन सा वेरिएंट लेना चाहते हैं, वहाँ तक जाती है। सर, 2017 बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो एज अ कार मैन्युफैक्चरर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट से? देखिए, हमारा जो एक्सपेक्टेशन है सबसे बड़ी तो ये है कि ओवरऑल देश के अंदर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट रहे बिजनेस का। और क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनमें से तकरीबन आधे कस्टमर बिजनेस कम्युनिटी के हैं, आधे कस्टमर सैलरी क्लास कस्टमर्स हैं। और जहाँ तक बजट का सवाल है, सर्टेनली नए टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगने चाहिए,
और साथ में फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में रहें तो उससे कार खरीदारों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है। इग्निस मारुति की सुजुकी लाइन में फर्स्ट ऐसी गाड़ी है जिसमें सारे वर्जन्स पे हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर्स इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो फिर आपका सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन है? हम लोगों ने जब नेक्सा चैनल शुरू किया था तो हम लोगों ने कहा था कि नेक्सा में जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, नई गाड़ियाँ, उन सब के अंदर सेफ्टी फीचर्स रहेंगे। तो इसी तरह से इग्निस के अंदर भी हम लोगों ने सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए हैं, चाहे वो फिर ऑफसेट क्रैश है, साइड इंपैक्ट है। तो इन फीचर्स के साथ में अब ये हमारी तीसरी गाड़ी है नेक्सा चैनल के अंदर और इसकी हम बुकिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो डिलीवरी हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं इग्निस की? देखिए, बुकिंग इसकी शुरू हो गई है, आज हमने प्राइस डिक्लेयर किया है और गाड़ियाँ हम लोगों ने डीलरशिप से डिस्पैच कर दी हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और कुछ ही हफ्तों में हम इसकी डिलीवरी शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच सर। तो नेक्सा प्लेटफॉर्म से लॉन्च की गई मारुति सुजुकी की नई इग्निस के दाम क्या हैं, कंपनी का मैनेजमेंट का नज़रिया इस गाड़ी को लेकर क्या है, ये सब आपने जान लिया। लेकिन आखिर ये मारुति सुजुकी इग्निस है क्या, इसका कंप्लीट रोड टेस्ट रिव्यू हम आपको देंगे इग्निशन के अगले एपिसोड में। पिछले कुछ सालों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई सारे स्टार्टअप्स के बारे में आपने सुना होगा, ऐसा ही एक रोचक स्टार्टअप है ऑफिस स्पेस के मामले में। जी हाँ, मोबाइल ऑफिस स्पेस, क्या है ये अब खुद देख लीजिए। आपका ऑफिस एड्रेस अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहुत मायने रखता है, लेकिन ये बात आसान नहीं है जब हो बात स्टार्टअप की। ऐसे में अगर आपके पास हो कुछ और उपाय जहां पर आप अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस कर सकें, मीटिंग कर सकें और अपने नए आइडियाज को इवॉल्व कर सकें, ऐसा ही कुछ है ये मोबाइल वैन। जी हाँ, दिस इज ऑफिस ऑन द गो और इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है, आपको प्रिंटर, वाईफाई फैसिलिटी, सोफा, अच्छा खासा सीटिंग अरेंजमेंट, फ्रिज, रिफ्रेशमेंट, टॉयलेट, एवरीथिंग दैट यू नीड इन योर कैबिन, और वो भी ऑन द गो। खरीदने की भी जरूरत नहीं है, आप इसे रेंट पर ले सकते हैं, 4,000 के 4 घंटे के रेंट पर आप इस गाड़ी को ले सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। वक्त की अगर कमी हो, जगह की अगर परेशानी हो, तो ये एक अच्छा उपाय है जो आपके लिए तैयार किया गया है। ये एक पूरा नाइस वेल लेड कैबिन है जहाँ पर हर चीज़ आपको मुहैया कराई जाएगी, आपको अच्छा खासा आप देख सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पर 5 से 6 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चेयर्स अलग से भी लगाई गई हैं जहाँ पर अलग से आप मीटिंग कर सकते हैं। AC जो कि बहुत अच्छी कूलिंग दे रहा है, साथ में आपको माइक्रोवेव ओवन और ऑन द गो है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिफ्रेशमेंट के लिए चीज़ें तो आपके पास होंगी, आपके पास एक अटेंडेंट भी है और आपको टॉयलेट भी दिया गया है इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। ये चीज़ गाड़ी की अच्छाई है, लेकिन क्या कमियां इसमें मौजूद? ऑन द गो जब मोबाइल वैन की बात करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको एक अच्छा नाइस एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि हम जानते हैं कि दिल्ली गुड़गांव जहाँ पर इस वक्त की गाड़ी अवेलेबल है वहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, शोर बहुत ज़्यादा होता है और रोड भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ऐसे में ज़रूरी है कि सस्पेंशन जो गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा हो कि अंदर आपको जो जर्क्स या फिर आपको गड्ढे वगैरह आते हैं, जिस तरह के क्रेटर रोड आपको यहाँ पे मिलती है, उन सबको आपकी फील अंदर कैबिन में ना आए, लेकिन वो फील आपको कैबिन में आती हुई नजर आएगी। यानी कि कहीं स्टेशनरी रख कर अगर आप मीटिंग कर रहे हैं इट्स फाइन, लेकिन अगर चलते में आप सोच रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा वो मिले तो वो शायद इसमें मुहैया नहीं हो पाएगा। हाँ, शायद अगर हाइड्रोलिक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया जाए, गाड़ी में थोड़ी और मॉडिफिकेशन की जाए तो और बेहतर हो सकता है। साउंड इंसुलेशन भी ऐसी एक चीज़ है जो कि इसमें थोड़ी सी नेगेटिव लगी, क्योंकि बाहर का जितना भी साउंड है वो पूरे का पूरा कैबिन के अंदर आ रहा है, उसको फिल्टर करने के लिए शायद कुछ और कैबिन इंसुलेशन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि इसको और ज़्यादा लग्जूरियस कंफर्टेबल बना सके। 1 घंटे 1 दिन या फिर 1 साल जैसे मर्जी आप इस मोबाइल ऑफिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेंट पर आप इस मोबाइल ऑफिस को ले सकते हैं, 4 घंटे के लिए करीब 4,000 रुपये, 8 घंटे के लिए 7,500 रुपये और हर एक्स्ट्रा घंटे के लिए करीब 1,100 रुपये चुका कर आप इस अच्छे खासे मीटिंग हॉल को अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए एज एन इंस्पिरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इग्निशन का आखिरी सेगमेंट है और हर बार की तरह एक बार जाने से पहले नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते ऑटोमोबाइल जगत में क्या थी सुर्खियां।
न्यूज दिस वीक। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अर्जेंटीना में ग्लैमर 125 सीसी बाइक का नया मॉडल पेश किया है। न्यू ग्लैमर हीरो का ये पहला प्रोडक्ट है जिसका इंडिया के बाहर ग्लोबल लॉन्च हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प ग्लोबल मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहा है। अर्जेंटीना में हम मौजूद हैं और अर्जेंटीना हीरो मोटोकॉर्प का बन चुका हुआ है 35वां मार्केट और शुरुआत इन्होंने करी है नए ग्लैमर के लॉन्च के साथ। इस ग्लैमर के लॉन्च के अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वो बाकी 5 प्रोडक्ट को भी दिखाया जो कि अर्जेंटीना की मार्केट में जल्दी नजर आएंगे, जिसमें हंक और डैश स्कूटर मौजूद है। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपनी सीबी यूनिकॉर्न बाइक को न्यू रिफ्रेश्ड स्टाइल और BS4 नॉर्म्स के मानकों के साथ भारतीय बाजार में उतारा है। सीबी यूनिकॉर्न की 160 सीसी की इस बाइक की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 73,552 रुपए। अनोखे डिजाइन और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी वाली इस बाइक में ऑटोमेटिक हेडलाइट, न्यू लॉन्गर वाइजर और कई आकर्षक रंगों के साथ पेश किया गया है। इस बाइक में 162.71 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन और होंडा इको टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो 13.82 bhp एट 8000 rpm और 13.92 न्यूटन मीटर एट 6000 rpm का टॉर्क जनरेट करता है। जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन भारत में करीब 3.5 लाख कारें रिकॉल करेगी। इसमें 13 मॉडल्स की कारें शामिल हैं। कंपनी ने ये कारें एक सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए रिकॉल की हैं, जिससे कारों को एमिशन टेस्ट पास करने में मदद मिलती है। फॉक्सवैगन ने जिन कारों को रिकॉल किया है उन सभी में EA189 डीजल इंजन लगे हुए हैं, जिसमें कंपनी को टेक्निकल अपडेट करना है। ऐसी कारों की संख्या भारत में 3,43,800 है। जिन कारों को रिकॉल किया गया है उसमें फॉक्सवैगन के साथ साथ स्कोडा और ऑडी की कारें भी शामिल हैं। इग्निशन में आज का ये सफर इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। लेकिन अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो तरीके बेहद आसान हैं। जी हाँ, आप फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर ईमेल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। और जाने से पहले एक और दरख्वास्त है दोस्तों, सड़क नियम बेहद ज़रूरी हैं। और अगर आपने या आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी रिश्तेदार ने, फैमिली मेम्बर ने रोड सेफ्टी को लेकर कुछ खास कदम उठाए तो वो हमसे बांटें। हम कोशिश करेंगे कि अपने इस जिग्निशन प्रोग्राम के द्वारा बाकी दर्शकों तक उसको पहुंचाएं, ताकि बाकी लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिले और कुछ आगे की राह मिले। आज के लिए इतना ही। मैं सैम लेता हूं इजाज़त। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए ड्राइव सेफ।